नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आपको स्पाइरल सर्कल कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताऊँगा एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर, और ये भी बताऊंगा कि उसमें जो प्रॉब्लम आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई वीडियो देखते हैं, ट्यूटोरियल वीडियो देखते हैं, लेकिन क्या होता है, बहुत सिंपल लगता है लेकिन जब खुद बनाते हैं तो वो बनता नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। और ये मैं आपको बता रहा हूँ एडोबी इलस्ट्रेटर CC 17 के अंदर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला स्पाइरल लोगो कैसे बनाएंगे। तो एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर अब नॉर्मली क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट जो पेज लेते हैं उसे हम लोग आर्ट बोर्ड बोलते हैं। बहुत सिंपल है कोई भी पेज लेना एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, पहले से मैंने एक पेज ले रखा है। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे टूल बॉक्स में चले जाना है। टूल बॉक्स में जाने के बाद यहाँ देखिएगा, इस पर जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे टूल्स यहाँ पर उभर कर आ जाएगा। तो आपको लेना है एलिप्स टूल, सर्कल बनाना है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और नॉर्मली एक इस तरह का सर्कल आपको ड्रॉ कर देना है। सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह सर्कल आप ड्रॉ कर देते हैं। और एक प्रॉब्लम ये आता है जब हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो हो सकता है जब ड्रॉ करते हैं तो दिखता है, लेकिन बाद में जैसे ही इसको अनसेलेक्ट करते हैं वो नहीं दिखता है, क्योंकि इसका जो आउटलाइन है यहाँ पे, इसको अगर नहीं दिख रहा है तो सिंपल आप यहाँ पे जो स्ट्रोक है, देखिए यहाँ पे स्ट्रोक है, यहाँ से आप स्ट्रोक इसको बढ़ा सकते हैं तो ये आपको दिखने लगेगा। ये एक प्रॉब्लम आता है। दूसरा क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग स्ट्रोक को थोड़ा बढ़ा देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ से मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 16, 17, 19 ले लिया। आप यहाँ से भी, इसके ड्रॉप डाउन लिस्ट है यहाँ से भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे देख लिए सब दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे 19 पॉइंट ले लिया है, ये देख सकते हैं। अगर आपको कम लेना है कम भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं कम ही ले लेता हूँ, 16 ले लिया। लेने के बाद स्पाइरल लोगो बनाने के लिए, अब इसमें जो यहाँ पर इसके अंदर देखिएगा, इसमें कलर नहीं फिल होना चाहिए, कलर इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये एम्प्टी होना चाहिए। जो सर्कल हम लोग बना लिया है ये एम्प्टी होना चाहिए। तो इसको खाली कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आप टूल बॉक्स के अंदर ये जो ऊपर का ये जो पोर्शन, ये फिल के लिए है। अभी देखिए वाइट दिख रहा है, इसका मतलब है इसमें वाइट कलर इसमें फिल है। तो इसको नन कैसे करते हैं, तो यहाँ पर ये अप एंड डाउन यहाँ से होता है, तो इसमें क्लिक करके आपको यहाँ पे नीचे, अगर ये ऊपर है तो सिंपली आप यहाँ पे देखिए नन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। कहने का मतलब ये लाल लकीर आ गया, इसका मतलब ये खाली है, एम्प्टी है। आप यहाँ से भी ये कर सकते हैं, ये पोर्शन यहाँ से भी देखिए सेम आपको दिख रहा है, यहाँ से भी आप इसको कोई भी सर्कल वगैरह को आपको खाली करना, उसमें कलर नहीं देना है, तो ये वाला बटन पर क्लिक कीजिएगा तो ये खाली हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हो चुका, देख सकते हैं यहाँ तक सर्कल बना लिया, स्ट्रोक हमने 16 ले लिया, इसको खाली भी कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो टूल आपको दिख रहा है सिलेक्शन टूल पे क्लिक करते हैं। अब सिलेक्शन टूल पे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक नोड यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये दो नोड जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसको और इसको काटना होगा, मतलब ये जगह को खाली करना होगा इस जगह पर, या तो आप इधर भी खाली कर सकते हैं, इधर भी खाली कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ अराइज़ होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब अगर ये दोनों को काटने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये वाला जो टूल है जिसे हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बोलते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। अब अगर हम लोग ऐसा सिलेक्ट करेंगे तो देखिए क्या होता है, जनरली क्या होता है जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे हैंडल आपको दिख रहा है, ये भी हैंडल दिख रहा है, यहाँ पर भी हैंडल दिख रहा है, यहाँ भी हैंडल दिख रहा है। तो जब हम लोग दोनों को इस तरह क्लिक करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करने का कोशिश करेंगे ये पोर्शन काटने के लिए, तो सब सिलेक्ट हो जाता है। तो अगर हम लोग काटेंगे तो सिर्फ ये पोर्शन रह जाएगा, ये सब चला जाएगा, लेकिन हमें काटना है ये पोर्शन, दोनों पोर्शन। तो ये बहुत गलती होता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। देखते हम लोग वीडियो तो लगता है बहुत सिंपल है, सिलेक्ट कर देते हैं तो देखते काट, जैसे ही काटेंगे तो देखिएगा सिर्फ ये बचेगा। देखिए यहाँ पर 8 में जाते हैं, इसे क्लियर कर देते हैं। तो क्लियर करने के बाद देखिए सिर्फ ये वाला पोर्शन मेरा बच गया। तो ये होता है प्रॉब्लम, तो इस बात का मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ क्या करना होगा, कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो एडिट में जाते हैं, इसको पहले मैं अनडू कर देता हूँ। अब देखिए इसको सिलेक्ट करने का सिंपल तरीका यही है, डायरेक्ट सिलेक्शन पर क्लिक कीजिए और सिंपली नॉर्मल सा सिर्फ ये वाला पोर्शन हल्का सा ऐसे सिलेक्ट कर दीजिए, हल्का सा, देखिए फिर से दिखाता हूँ, मतलब हल्का सा ऐसे ड्रैग करके ड्रैग कीजिए। तो क्या होगा, ये देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट सिलेक्टेड है, कैसे पता चला, यहाँ पर देखिए हैंडल आपको दिख रहा है। अब जब हम लोग इसको क्लियर करेंगे तो देखिए सिंपली क्या होगा, ये वाला पोर्शन यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सर्कल बना लिया, डायरेक्ट सिलेक्शन पर क्लिक किया,
तो अगर इधर सिलेक्ट किया तो सीपीए हैंडल दिखाई दे रहा है दोनों, तो काटेंगे तो सीपीए कटेगा। अगर मान लेते हैं यहाँ काटना है, सिंपली हल्का सा ऐसे ड्रैग कर दीजिए तो सीपीए दो ठो हैंडल आपको सिलेक्ट होगा। अगर पूरा इस तरह ड्रैग कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा इस तरह सिलेक्ट करने का, तो देखिए चारों हैंडल सिलेक्ट हो जा रहा है, तो इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, अब क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट में जाते हैं। जाने के बाद यहाँ पे हम लोग क्लियर का ऑप्शन है, इसे क्लियर कर दिया। अब क्लियर करने के साथ देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कट गया, ये होता है प्रॉब्लम, तो इसलिए मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो गया, अब ये जो पोर्शन है यहाँ पे, ये जो कटा हुआ है यहाँ कटा हुआ है, इसको क्या राउंड करना है, मतलब ये गोलाई करना है, तो इसको फिर क्लिक करते हैं। यहाँ से देखिए क्लिक कर दिया, या इससे सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्शन टूल से पूरा सिलेक्ट हो गया दोनों। उसके बाद देखिएगा आप यहाँ पर बाहर क्लिक करते हैं, इसको मैं यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर दिया, ऐसे से इस टूल से सिलेक्ट कीजिए, तो यहाँ पे आपको इस तरह बॉक्स, आपको स्क्वायर बॉक्स दिखाई देगा ऐसे। अब ये सिलेक्शन कर दिया हम लोगों ने, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जो कंट्रोल का यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, बार दिखाई दे रहा है, यहाँ स्ट्रोक का ऑप्शन दिया हुआ, देखिए स्ट्रोक पैनल यहाँ जो लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा, इस तरह का पैनल खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कैप दिया हुआ, ये बीच वाला देखिए राउंड वाला दिख रहा है यहाँ पे राउंड कैप, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के साथ क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे ये कॉर्नर, देखिए अब ध्यान से देखिए, ये कॉर्नर राउंड हो गया, ये तो हो गया, तो राउंड कॉर्नर हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, अगेन आपको स्ट्रोक में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये वाला जो पैलेट खुलेगा, यहाँ देखिए प्रोफाइल दिया है नीचे, ध्यान से देखिएगा प्रोफाइल यूनिफॉर्म, इसके डाउन बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए बहुत सारा आपका प्रोफाइल अलग अलग यहाँ पर प्रोफाइल दिख रहा है। अब जो भी जैसे ये वाला विथ प्रोफाइल 4 वाला मैं क्लिक कर देता हूँ, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा इस तरह का, तो एक पॉइंट क्या होगा, देखिए एक पॉइंट इसमें नोकीला हो जाएगा, देखिए एक पॉइंट नोकीला हो गया, देखिए दूसरा वाला पॉइंट नोकीला नहीं हुआ, मतलब जैसा आपको करना है कर लीजिए। ये हो गया, हो जाने के बाद देख सकते हैं, ये देखिए हो जाने के बाद अगेन इसको क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर जो आपका यहाँ पर जो मेनू बार है, यहाँ पर इफेक्ट में जाना है। जाने के बाद नीचे आइएगा, यहाँ देखिए डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्म इफेक्ट का इस तरह का एक पैलेट खुल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्केल है और ये वर्टिकल है। अब नीचे देखिएगा प्रीव्यू का एक बटन दिया हुआ है, इसको ऑन कीजिएगा। ये इसलिए ऑन कीजिएगा कि जो भी आप चेंजेस या जो भी काम कीजिएगा यहाँ पर आपको शो करेगा, ये वाला दिखेगा आपको, तो यहाँ पर हॉरिजेंटल दिख रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पे कॉपीज़ हैं, यहाँ पे कॉपीज़ है, इसको कर देते हैं 25 या 24, 25 सपोज़ मैं कर देता हूँ 25, 25 कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल है, एंगल को भी कर देंगे हम लोग 25, यहाँ भी इसको मैं 25 कर दिया एंगल, ठीक है 25 कर दिया। करने के बाद उसके बाद ये हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल को मैं थोड़ा सा यहाँ से ड्रैग करता हूँ, देखिए हॉरिजेंटल को 137 कर रहा हूँ, तो देखिए इस तरह दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, इसको 75-76 तक रखिए। ये देखिए एंगल को मैं हल्का सा इसको देखिए यहाँ पे, ये देखिए इसको मैं 75 तक इसको ड्रैग करता हूँ मैं, देखिए 80, तो देखिए 80 में इस तरह दिख रहा है, तो हॉरिजेंटल में हो रहा, मतलब हॉरिजेंटल ऐसे। अब आपको वर्टिकल भी जितना यहाँ पे कर रहे हैं इसको भी कीजिएगा, तो अगर मैं इसको 80 कर देता हूँ, ये देखिए 80 दिखा, 80% किया, इसको भी 80%, तो कुछ इस तरह आपको दिखेगा, देख सकते हैं। ये देखिए अगर इसको मूव करेंगे तो मूव करके, ये देखिए लेकिन इसको मूव नहीं करना है, इसको 0% पे हमको रखना है, 0 नहीं आ रहा, सिंपली आप यहाँ पे 0 टाइप कर दीजिए, ये देखिए टाइप कीजिएगा, ये देखिए यहाँ पे आपको 80% यहाँ पे, ये देखिए 64% किया यहाँ पे, देखिए ये देखिए 80% इसको 80 रखा, यहाँ ऑरिजेंटल में 0 पॉइंट, यहाँ पर एंगल में 25%, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज 25 कर दिया। करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना, ये देखिए ओके पे मैंने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा पूरा का पूरा देखिए इस तरह स्पाइरल सर्कल बन गया। अब रहा सवाल, इसको अगर कलर करना है आपको तो इसका स्ट्रोक में कलर करना होगा, तो स्ट्रोक जहाँ पे लिखा हुआ देखिए इसके ठीक बगल में यहाँ पे क्लिक कीजिए, जो कलर आपको करना है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो अगर ब्लू चाहिए ब्लू कीजिए, देखिए रेड हो गया, अब इसको ब्लू करना है ब्लू कर दीजिए, ये देखिए हो गया, देख सकते हैं ये बन गया, एक स्पाइरल मेरा बन के तैयार हो गया। अभी मान लेते हैं इसको अगर इसका मुँह इधर है तो इसको नीचे करना है, तो इसको घुमा देना होगा, या इसी का एक कॉपी बना लेते हैं, 8 में जाते हैं यहाँ से, कॉपी नहीं मालूम है तो आप ऑल्ट पढ़ के भी ड्रैग कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट इन फ्रंट कर दिया, एक कॉपी इसमें पेस्ट हो गया, ये देखिए पेस्ट हो गया। अब इसका कलर चेंज कर देना है तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ से कलर इसका चेंज कर दिया। इसका आपको घुमा देना है तो सिंपली आप यहाँ से ड्रैग करके इस तरह घुमा दीजिए, ये देखिए घूम जा रहा है, ये देखिए इस तरह ड्रैग करके इसको घुमा सकते हैं, ये देखिए इस तरह, जैसा ये वाला है सेम उसी तरह ये वाला भी बन चुका है।
तो सिर्फ इधर से इधर ड्रैग कर दीजिएगा तो चेंज हो जाएगा, रिफ्लेक्ट मतलब उल्टा तरफ हो जाएगा, ये देखिए। तो ये सिंपल तरीका से आप Adobe Illustrator के अंदर स्पायरल सर्कल आप बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, मैंने आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ कोशिश की आपको बताने का, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप देख के इजी तरीके से बना सकते हैं। और भी कुछ जानना है Adobe Illustrator से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।